और फ्रेंड्स, आज हम इस थिंकिंग एंड डेस्टिनी सीरीज में आज इसका दूसरा एपिसोड लेने जा रहे हैं। तो पूछते हैं हमसे कि क्या पर्पस है हमारी लाइफ का। वो कहते हैं इस बुक में आपके लिए ये मैसेज है कि आप खुद के बारे में ही जानिए। खुद का खुद को मैसेज है, खुद को जानना है हमें, अपने बारे में ही जानना है हम कौन हैं। जैसे बचपन में दिखते थे वैसे तो अब नहीं दिखते, फिर हम टीनेज में आए हम वैसे अभी भी नहीं दिखते। वो फीलिंग और डिज़ायर को दो अलग अलग बॉडीज़ में बांट दिया, फीलिंग को कर दिया वुमन की बॉडी में, डिज़ायर को कर दिया मैन की बॉडी में, और तब भी उनको बैलेंस्ड रहना था। और फ्रेंड्स, आज हम इस थिंकिंग एंड डेस्टिनी सीरीज में आज इसका दूसरा एपिसोड लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, दूसरे एपिसोड में पर्सिवल जी हमको इंट्रोडक्शन देते हैं। तो पूछते हैं हमसे कि क्या पर्पस है हमारी लाइफ का। क्या हमने ये सवाल खुद से नहीं पूछा फ्रेंड्स कितनी बारी, हमारा क्या पर्पस है? हम पर्पस ढूंढते हैं। पर्सिवल सर बहुत साफ, स्पष्ट, सिंपल शब्दों में कहते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस नहीं है कि आप खुश हों ज़्यादा, या आप अपनी सोल को सेव करें। रादर आपकी लाइफ का पर्पस है इंक्रीजिंगली ज़्यादा डिग्रीज में और कॉन्शियस होना, ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपको इस प्रकाश के द्वारा, इस कॉन्शियस लाइट के द्वारा आपको हर चीज़ के बारे में ज्ञान हो जाता है। जो कुछ है जानने के लिए आप सब जान जाते हैं इस कॉन्शियस लाइट के थ्रू। इसी को तो बोलते हैं कि आपके अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग इज विद इन। तो पर्सिवल जी कहते हैं कि आपका मकसद है कि आप और ज़्यादा कॉन्शियस हों। फिर वो कहते हैं कि इस बुक में वो हमको क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज है इस बुक में। वो कहते हैं इस बुक में आपके लिए ये मैसेज है कि आप खुद के बारे में ही जानिए। खुद का खुद को मैसेज है, खुद को जानना है हमें, अपने बारे में ही जानना है हम कौन हैं। क्या आपके मन में ये सवाल कभी आया, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे? ये फ्रेंड्स कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें वो पूछते हैं कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, खबर करो अपने तन की, कोई सदगुरु मिले तो भेद बतावे। यू नो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे और मास्टर्स की भी बातें याद आ रही हैं जिन्होंने इस बारे में प्रकाश डाले कि आप कौन हो। वो कहते हैं कि हर थोड़े दिन बाद ये क्वेश्चन पूछो, हु एम आई, वेयर डू आई कम फ्रॉम, व्हाट एम आई हियर फॉर, और कुछ दिन में आपके जो इनके आंसर्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो क्या हमने कभी पूछा है कि हम कौन हैं? आपको जो आंसर्स मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीर के टर्म्स में देते हैं, और कॉन्शियसनेस के बारे में आप पूछेंगे तो कॉन्शियसनेस वर्ड का तो बहुत ही पर्सिवल सर कहते हैं कि बहुत ही रॉन्ग, मिसप्लेस्ड यूजेज है। ऐसे हम बोलते हैं ही हैज़ लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कोई बेहोश हो जाए तो ही इज़ बिकमिंग मोर कॉन्शियस। तो हमारा जो यूजेज है कॉन्शियसनेस वर्ड का बहुत फॉल्टी यूजेज है। कॉन्शियसनेस तो इतना महान एक फीलिंग है, एक होना है। कॉन्शियसनेस तो सब कुछ है, इट्स एवरीथिंग। तो हम कैसे बोल सकते हैं ही वेंट अनकॉन्शियस या ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस? तो ये हमारी एक रॉन्ग यूजेज है कॉन्शियसनेस वर्ड की। तो फ्रेंड्स, आप अपने शरीर के टर्म्स में ही आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे कि तुम कौन हो। क्या हम ये शरीर हैं? अगर हम ये शरीर हैं, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हम जैसे बचपन में दिखते थे वैसे तो अब नहीं दिखते, फिर हम टीनेज में आए हम वैसे अभी भी नहीं दिखते, फिर हम मैच्योर हो गए, फिर हम ओल्ड एज में आए। हर स्टेज में हम बदल रहे हैं। साइंस प्रूव करती है कि हर 7 साल बाद आपकी पूरी बॉडी रिन्यू हो जाती है। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट वो नहीं होता, सेम नहीं होता 7 साल के पीरियड में। लेकिन जब आप वो सेम पर्सन नहीं है, आप तो सिर्फ शरीर के टर्म्स में सोच रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आप वही बच्चे हैं, आप वही युवा हैं, आप वही मैच्योर पर्सन हैं? ये आपको कैसे पता चलता है?
कुछ तो है आपके अंदर जो जानता है, जो ये जानता है कि बॉडी तो बदल रही है लेकिन आपके अंदर कुछ है जो अनचेंजिंग है, उसको बोलते हैं परसिवल सर डूअर। फ्रेंड्स, हमारा जो हम जो हैं, ऐसा आपने कई जगह पढ़ा होगा कि आप बहुत महान हो, बहुत मैग्निफिसेंट हो, आप जानते नहीं हो अपने मैग्निफिसेंस के बारे में, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन मैग्निफिसेंस। तो आज आप ये जानेंगे इस टेक्स्ट के थ्रू कि आप सिर्फ एक पार्ट डूअर का पार्ट नहीं है, जो आपके शरीर में है वो करता, करने वाला डूअर, वो डूअर कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए अर्थ पर आया है। क्या एक्सपीरियंस करना है डूअर को? डूअर क्यों आया अर्थ पर? डूअर बेसिकली हम तीन पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ट्रायून सेल्फ। ट्रायून मतलब थ्री पार्ट्स, ट्राई मीन्स थ्री, सो आप थ्री पार्ट्स हैं। आप एक डूअर हैं, करने वाला, करता, एक नोअर है, एक थिंकर है, ये आपके तीन पार्ट्स हैं, डूअर, थिंकर एंड नोअर। आपके शरीर में थिंकर और नोअर नहीं आते हैं, वो बहुत मिनिमली कांटेक्ट करते हैं आपके शरीर से। डूअर आपके शरीर में आता है, करने वाला जो है, जिसको कभी कभी कबीरदास जी बोलते हैं राम, बैठन वाला राम, ऐसे बोलते हैं वो शरीर में। तो ये जो आपके अंदर डूअर है, ये भी पूरा नहीं आ सकता आपके शरीर में। डूअर के 12 पार्ट्स हैं, उन 12 में से सिर्फ एक आपकी बॉडी में आता है, बाकी सब चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल अनअवेयर हैं। हम क्यों है इतने अनअवेयर फ्रेंड्स? क्या कारण है कि हमको कोई आइडिया नहीं अपने मैग्निफिसेंस का? इसका कारण ये है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको कुछ 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 बातें याद होती हैं कि वो कहाँ से आया है, वो स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड है, वो एक बहुत मैग्निफिसेंट, बहुत ब्यूटीफुल स्पिरिट है, बहुत उसके पास पोटेंशियल है, वो ये जानता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ये सिर्फ शरीर है। वी ट्रेन आवर चिल्ड्रन टू लुक अपॉन देमसेल्व्स जस्ट एज दिस बॉडी। हम उसी चीज़ को एनकरेज करते हैं और धीरे 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 वो बच्चा बिल्कुल भूल जाता है कि उसका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। सिंपली वो बॉडी के साथ एसोसिएट करता है, हाँ मेरा बर्थ इस दिन हुआ। आप किसी भी महान से महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप सबसे पहले पढ़ते हैं बॉर्न ऑन दिस एंड दिस डेट एंड डाइड ऑन दिस एंड दिस डेट। क्या ये सच है फ्रेंड्स? थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप तो एक कॉन्टिन्यूम है, एक एक्सट्रीम है। आप पहले भी थे, आप इस शरीर से पहले भी थे, आप इस शरीर के बाद भी हैं। लेकिन हमारी टोटल आइडेंटिफिकेशन किससे हमने कर ली? टोटल बॉडी से आइडेंटिफिकेशन कर ली। तो ये जो छोटा बच्चा है, इसको कुछ कुछ आइडिया होता है, लेकिन हम इसको ट्रेन करते हैं कि ये बिल्कुल भूल जाए अपने उन ओरिजिन्स को, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को बिल्कुल भूल जाए और सिर्फ ये याद रखे कि वो एक खाती पीती, डिज़ायर करती, ये चाहिए वो चाहिए, बस यही वो बच्चा, उसको हम याद रखने के लिए एनकरेज करते हैं। फ्रेंड्स, ये बात करते हुए आपसे मुझे योगानंदा जी की बचपन की बात याद आ गई। तो योगानंदा जी जब अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बताते हैं कि जब वो छोटे थे, बहुत छोटे थे, इन्फेंट थे, जब वो बच्चा खुद से अपने आप इंडिपेंडेंट भी नहीं होता, तो उस छोटे बच्चे को बातें पूरी याद थी अपने पिछले वाले लाइफ टाइम्स की। वो लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि एज अ चाइल्ड मैं बहुत रोता था। क्यों? क्योंकि याद है कि आप कौन हैं और आप इस छोटे से शरीर में ट्रैप्ड हैं, आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी किसी पर डिपेंडेंट हैं। तो ये जो आप इस शरीर में आए हैं, तो आपको एक लिमिटेशन हो जाती है ना, आप लिमिटेशंस में आए हैं कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। फ्रेंड्स, हम क्या एक्सपीरियंस करने आते हैं? हमको क्यों आना होता है इस शरीर में? कब तक आना होता है इस शरीर में? क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न उठते हैं? अगर हाँ, तो आपको काफ़ी जवाब इस किताब में मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। सो हमने इस बच्चे को ट्रेन कर दिया कि ये अपने आप को पूरी तरह से शरीर के साथ आइडेंटिफाई करें। तो सोल क्या है फिर? सोल क्या क्या कॉन्सेप्ट है? सोल क्या होती है? सुना सबने,
बताना बहुत मुश्किल है कि सोल क्या होती है। परसिवल सर, इसकी एक बहुत ही नई, मैं कहूँगी इंटरेस्टिंग तो है ही, नई भी डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जो सोल है आपके अंदर, जिसको आप सोल समझ, जिसको आप सोल बोलते हैं, वो एक नेचर यूनिट है। फ्रेंड्स, एक मैंने आपको बताया कि आपके शरीर के अंदर डूअर है, करने वाला, करता, ठीक है, जो आपके शरीर में, आपके शरीर मूव कर रहा है, वो भी वो डूअर की वजह से मूव कर रहा है, उस डूअर की इच्छा से मूव कर रहा है। आप क्या है कि आपने, मान लीजिए आपने हाथ पर एक ग्लव पहना हुआ है, तो वो ग्लव थोड़े ना हिलता है, उंगलियां हिलती हैं तभी वो ग्लव हिलता है। सिमिलरली आपका डूअर चाहता है तभी कोई काम होता है। आपके शरीर में जो सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं परसिवल सर, कि आपको ये बोला गया है कि आपके 5 सेंसेस हैं। क्या क्या सेंसेस हैं आपकी? साइट, देखना, हियरिंग, सुनना, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग। परसिवल सर कहते हैं ये गलत है। परसिवल सर सेज कि ये जो फीलिंग है ये एक सेंस और सेंस नहीं है। हर सेंस का अपना सेंस ऑर्गन है। आपको दिखाई कहाँ से देता है? आँखों से। सुनाई कहाँ से देता है? कानों से। वेर यू स्मेल फ्रॉम? आपकी नोज से। टेस्ट कहाँ से करते हैं? टंग से। ये फीलिंग को आपके कौन सा ऑर्गन है? परसिवल सर कहते हैं कि फीलिंग के लिए कोई ऑर्गन नहीं है आपकी बॉडी में, क्योंकि वो नेचर का पार्ट नहीं है। फीलिंग आपकी डूअर का पार्ट है। जो डूअर है उसमें वो एक फीलिंग और डिजायरिंग यूनिट है, वो एक इंटेलिजेंट यूनिट है। फ्रेंड्स, जो नेचर यूनिट्स जो जिसके बारे में परसिवल सर बोलते हैं, ये क्या यूनिट्स हैं? जो भी चीज़ आप अपने सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं वो नेचर यूनिट है। पहाड़ हो, नदी हो, स्टोन हो, प्लास्टिक हो, पत्थर हो, कोई किसी की बॉडी को आप पिंच कर सकते हैं, ये जो है ये सब आपकी नेचर यूनिट्स हैं। नेचर के थ्रू आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपनी सेंसेस के थ्रू नेचर को। तो इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या हो गए? जैसे हम जो बोल रहे हैं कि हमारा जो डूअर है वो इंटेलिजेंट है, ये दूसरी साइड पे जो यूनिट है वो बड़ा होकर और एक्सपीरियंस होकर वो इंटेलिजेंट साइड पे आ जाता है। इंटेलिजेंट साइड पे आ जाते का क्या मतलब है? कि हाँ, मैं कॉन्शियस हूँ। आप कॉन्शियस हैं। अभी तक तो आप जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे, पेड़ थे, उग रहे थे, फूल थे, खिल रहे थे, लेकिन क्या फूल ये जानता है कि वो डिवाइन का अंश है? क्या फूल ये अपने आप से प्रश्न पूछता है मैं कौन हूँ? नहीं, वो आप पूछते हैं। तो जो डूअर है आपके अंदर, ये एक इंटेलिजेंट यूनिट है। सो फ्रेंड्स, ये जो हम बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो 4-5 सेंसेस नहीं, 4 सेंसेस हैं, और फीलिंग एक सेंस नहीं है आपकी बॉडी की। फीलिंग जो है वो बिलोंग करती है डूअर को। डूअर जो हमारे शरीर में करने वाला है सब कुछ, जो शरीर एक्सपीरियंस करता है, टेस्ट करना चाहते हैं, स्मेल करना चाहते हैं, वो शक्ति कौन सी है, वो क्रिएटिव पावर कौन सी है? वो डूअर की है। डूअर आपकी बॉडी को छोड़ देगा तो ये सब सेंस ऑर्गन्स के होने के बाद भी आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे लाइफ में। डूअर की प्रेजेंस से ही ये जो मशीन है आपकी, जो बॉडी, दिस मशीन इज ऑपरेटिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डूअर। और ये डूअर के भी आप पूरा आपके शरीर में नहीं आया, इसका सिर्फ 1/12 पार्ट आपके शरीर में आया है। तो फ्रेंड्स, सोल क्या है फिर? ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था। हम सोल के बारे में बात करते हैं, कुछ कुछ समझते हैं, कोई हमसे डेफिनेशन पूछे बड़ा मुश्किल है बताना। दैट्स अ फैक्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन द सोल। परसिवल सर बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि आपकी सोल नेचर यूनिट है। नेचर का बेस्ट परफेक्शन है, नेचर का जो हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है वो आपकी सोल है। और इसके दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स की बनी हुई है। वन, आपका ब्रेथ और ब्रेथ फॉर्म, ये दो पार्ट्स हैं। सोल को आप सोल भी बोल सकते हैं परसिवल सर के अकॉर्डिंग, और आप उसको ब्रेथ फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब ये ब्रेथ फॉर्म क्या चीज़ है? ब्रेथ फॉर्म के अंदर है आपकी, एक तो जो आप सांस लेते हैं, दैट इज द एक्टिव पार्ट। आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, इससे आपके शरीर का साइकिल चलता रहता है, आप जीवित हैं। सो ये एक पार्ट है इस ब्रेथ फॉर्म का। दूसरा पार्ट है इसका फॉर्म।
फॉर्म का क्या मतलब है? एक मॉडल, जैसे कि आपने अपना स्केलेटन देखा है, वो स्केलेटन आपका मॉडल है जिसके ऊपर आपकी बॉडी बनी हुई है। अगर आपने एक स्टिक फिगर देखी हो जिसमें एक एक मुंह बनाया था, एक स्टिक फिगर होती है नीचे और एक दो लेग्स के लिए दो स्टिक्स होती हैं, ये मॉडल कि आपका ये मॉडल है, ये इस शेप के अकॉर्डिंग आप बनोगे, आपकी जो बेसिक शेप बन के आती है वो उसको बोलते हैं हम फॉर्म। तो आपके ये दो कंपोनेंट्स हैं, ब्रेथ और फॉर्म, और ये मिलकर आपको आपके शरीर को चलाते हैं, आपके शरीर का सारा काम करते हैं, ब्रेथ एंड ब्रेथ फॉर्म। सो आपकी जो सोल हम समझते हैं, जो सोल जो हम बोलते हैं, वो हमारी बेसिकली ब्रेथ फॉर्म है। जब हमारी डेथ होती है तो हमारे शरीर को हमारा डूअर भी छोड़ के जाता है और हमारी ब्रेथ फॉर्म भी छोड़ के जाती है। बाकी जो बचा, वट एवर इज लेफ्ट, वो नेचर का है। वो जो बोलते हैं ना कि पंच तत्वों का पुतला, और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। जो बाकी का सब शरीर बचा वो आपका नेचर यूनिट्स थे, और वो सब नेचर में ही मिल जाएंगे, नेचर में रिस्पेक्टिवली चले जाएंगे। तो अलग अलग टर्म्स हैं, अंडरस्टैंडिंग पर यही है कि आपके आप जानते हैं कि सब कॉन्शियस में पूरा रिकॉर्ड है आपके जीवन का। आपने क्या बोला, कब क्या बोला, कब क्या हुआ आपके साथ, जो कुछ है पूरा का पूरा आपके सबकॉन्शियस पे इम्प्रिंटेड है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो वो आपके ब्रेथ फॉर्म पे टोटली इम्प्रिंटेड है। ब्रेथ फॉर्म ही आपके शरीर को बनाता है। जो डिसीज़ है आपके शरीर में वो इनिशियली यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो आपके थॉट से शुरू होता है, वो आपकी ब्रेथ फॉर्म से शुरू होता है, वो आपकी ब्रेथ फॉर्म पे इम्प्रिंटेड होता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये बात हुई ब्रेथ फॉर्म की। उसके बाद पर्सिवल सर हमको बताते हैं, पूछते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है फिर। तो कॉन्शियसनेस, हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात करी थी कि कॉन्शियसनेस हर जगह है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, हर जगह हर चीज़ में विद्यमान है, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस को आप डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन आप फील कर सकते हैं उसको एक लिविंग प्रेजेंस की तरह। सो कॉन्शियसनेस जस्ट इज, वो है, बस इतना ही। सो कॉन्शियसनेस के बारे में आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि पर्सिवल सर एक झटके से कॉन्शियसनेस के बारे में कॉन्शियस हो गए थे, और वो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमने अभी तक कई कॉन्सेप्ट्स देख लिए, हमने देखा कि ब्रेथ फॉर्म क्या होती है, हमने देखा सोल क्या होती है, हमने देखा कॉन्शियसनेस क्या होती है, हमने ये देखा कि हम बॉडी नहीं है तो हम क्या हैं। तो जो ये सब बातें पर्सिवल सर बता रहे हैं, क्या हमारे टेक्स्ट में पहले नहीं है ये बातें? फ्रेंड्स पहले, हाँ, अगर आप देखें तो भगवद गीता को पर्सिवल सर बहुत मानते हैं, और वो बोलते हैं कि इट इज़ अ प्राइसलेस जेम ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया को उन्होंने जेम दिए इंडिया ने, तो उसमें आती है ये बातें, ये फॉर्मूला आता है हमारे एंशियंट टेक्स्ट्स में, तत् त्वम असि यू आर दैट, तुम वो हो। मतलब आपको याद करा रहे हैं कि आप वो हो, आप वो मैग्निफिसेंट सेल्फ हो, लेकिन इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है कि यू आर दैट, यू क्या है, दैट क्या है। पर्सिवल सर कहते हैं इट्स नॉट क्लियर। और जो भगवद्गीता है वो इट्स अ जेम, लेकिन वो थोड़ा पुराना कॉन्टेक्स्ट में, पुराने थियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग थोड़ा लॉस्ट हो जाता है। फिर क्रिश्चियनिटी पे आते हैं, क्या क्रिश्चियनिटी ने हमको ये सब कुछ नहीं बताया? तो बोलते हैं कि हाँ, नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी उन्होंने अपने पैराबल्स बोले, स्टोरीज के थ्रू इनडायरेक्टली बातें बताने की कोशिश करी, इनडायरेक्टली। सिमिलर फ्री मेसनरी की बात करते हैं, फ्री मेसनरी में क्या बोलते हैं, ये स्टोरी आती है कि एक टेम्पल को का रिकन्स्ट्रक्शन करना है। वो टेम्पल क्या है? पर्सिवल सर सेज वो टेम्पल आपकी बॉडी है जो आपको रीजेनरेट करनी है। कहाँ होगी वो बॉडी रीजेनरेट? क्या पॉसिबल है अपनी बॉडी को रीजेनरेट करना? पहला क्वेश्चन तो ये है। ही सेज एब्सोल्युटली पॉसिबल ही नहीं है, मैंडेटरी है कि आपको ये करना ही है। ये आपका एवोल्यूशन का स्टेप है कि आपकी बॉडी, आप और कॉन्शियस होते हैं, और फिर आपका बॉडी रीजेनरेट हो जाता है, आप इमॉर्टल हो जाते हैं इन द बॉडी। फ्रेंड्स, ये कितनी मैजिकल बात है, हमने सोची भी नहीं होगी कभी कि ये पॉसिबल है कि आप अपने आप को टोटली रीजेनरेट कर लें। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये कहीं आफ्टर डेथ स्टेट्स में नहीं है, ये इधर ही है। इट इज़ ओनली हियर ऑन अर्थ कि आप अपनी बॉडी को रीजेनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे रीजेनरेट? थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग।
फ्रेंड्स, इस बुक का टाइटल ही आपको बताता है, थिंकिंग आपकी डेस्टिनी बना रहा है। बाय थिंकिंग यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। और उन्नत विचार कीजिए, और उन्नत विचार कीजिए, और उन्नत विचार कीजिए, और सोचिए क्या ये पॉसिबल है। अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ सोचिए, पूरे एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ सोचिए, और आप एक नई अवेयरनेस पर आते हैं। हर बार आप क्वेश्चन रेज करते हैं, आप एक नई अवेयरनेस के प्रति बढ़ते हैं। हर बार आप एक सचिन सांगत्य करते हैं, आप नई अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं। हर बार आप बुक्स पढ़ते हैं और शेयर करते हैं सबसे, आप एक नई अवेयरनेस तक पहुंचते हैं। सो क्रिश्चियनिटी में ये पैराबल्स आते हैं कि हाँ, आपका जो आप टेम्पल को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, वो टेम्पल क्या है? आपका शरीर ही है। शरीर कौन, कोई परफेक्ट शरीर भी तो होते हैं? कोई परफेक्ट शरीर नहीं है, हम सब इम्परफेक्ट हैं। हम सब वो डूअर्स हैं जो कि जिन्होंने एक टेस्ट में फेल हो गए थे, जो हम एक टेस्ट में फेल हुए इसलिए हमको अर्थ पर आना पड़ा। जो हम क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं ओरिजिनल सिन, बहुत बार आपने देखा होगा ओरिजिनल सिन, वो ओरिजिनल सिन और कुछ नहीं है, वो यही है कि आपका जो डूअर है उसके दो पार्ट्स मैंने आपको बताए, फीलिंग डिजायर, वो उन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाया। वो फीलिंग और डिजायर को दो अलग अलग बॉडीज में बांट दिया। फीलिंग को कर दिया वुमन की बॉडी में, डिजायर को कर दिया मैन की बॉडी में, और तब भी उनको बैलेंस रहना था, लेकिन डूअर ये नहीं कर पाया। जो डूअर नहीं कर पाया उसको ये अर्थ की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ गई। ये जो जर्नी है लाइफ की, डेथ की, फिर रीबर्थ की, फिर लाइफ की, फिर डेथ की, उसको ये जर्नी स्टार्ट करनी पड़ गई। और ये जर्नी वो कब तक करेगा? उसके नोअर और थिंकर पार्ट्स उसकी वेट कर रहे हैं। चाहे जितना भी समय लगे, नोअर और थिंकर उसके लिए वेट कर रहे हैं कि वो कब याद करेगा कि वो कौन है। बेसिकली जिसको बोलते हैं ना फ्रेंड्स, क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, उस पुत्र की इंतजार वापसी के लिए। तो वो उसी डूअर की वेट कर रहे हैं। और जो डूअर है क्या वो खुश है? वो भी तो अलग हुआ है, बिछड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं, वो भी तो अलग हुआ है अपने थिंकर और नोअर से। उसको नहीं मालूम, उसको मालूम है, एक फीलिंग है, एक एहसास है, लेकिन जानता नहीं है कि क्या मिस कर रहा है। सोचता है कि अच्छा बिग कार लूंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, बाहर ढूंढ रहा है। जो अपने अंदर ढूंढना है, जो अपने थिंकर और नोअर पार्ट से, अपने रियल सेल्फ, वो हमारा रियल सेल्फ है, अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट होना है, लेकिन वो कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर ढूंढ रहा है। शायद एक मैरिज करके बहुत खुशी मिल जाएगी, शायद एक बहुत बड़ा घर लेकर, शायद एक बहुत बड़ा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके शायद मुझे वो खुशी, वो सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी। वो सैटिस्फैक्शन कहाँ है? वो सैटिस्फैक्शन अपने ही अंदर की तलाश है, सेल्फ नॉलेज। जब तक हम नहीं बढ़ेंगे सेल्फ नॉलेज की ओर, तब तक ये तलाश अधूरी ही रहेगी। तो हम क्या करें फ्रेंड्स, हमारे लिए क्या गाइडेंस है? पर्सिवल सर कहते हैं कि आपके लिए गाइडेंस ये है, इन द मीन टाइम, जब तक आप और कॉन्शियस नहीं होते, तब तक आप ये बात याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि आपने ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं क्या क्या करूं और क्या ना करूं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन शेक्सपियर ने भी बड़ा इंटरेस्टिंगली इसको पूछा था अपने कैरेक्टर के थ्रू, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। सो पर्सिवल सर कहते हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप किसी भी चीज़ में पूछें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जितने आप अवेयर हैं आपका जवाब उसी के हिसाब से होगा। हर सर्कमस्टेंस में जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से सही करने की कोशिश कीजिए। यही हम सबके लिए इस फर्स्ट चैप्टर का मैसेज है। एक तो ये जानिए कि आप डूअर हैं, आपकी जो आप जिसको आप सोल समझते हैं, सोल कहते हैं, वो आपकी ब्रेथ फॉर्म है, कॉन्शियसनेस है। आपके डूअर के जो दो पार्ट्स हैं आप उनको बैलेंस नहीं कर पाए थे, तो आप एक बहुत सुंदर जगह से गिर गए। लीजिए उसको बोलते हैं रेलम ऑफ परमानेंस, जहाँ पे सब कुछ परमानेंट है, परफेक्ट बॉडीज हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो वो रेलम ऑफ परमानेंस से हमको आना पड़ा पृथ्वी पर। हम ये भी कह सकते हैं शायद कि हमने चूज किया। तो आपने चूज किया अर्थ पर आना, और आप, या आप आए पृथ्वी पर, और अब आपको बैलेंस, जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आप बार 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 जन्म लेते ही रहेंगे। जब तक आपका फीलिंग पार्ट और आपका डिजायर पार्ट बैलेंस नहीं होता, आपको दोबारा 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 रीइनकार्नेट करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स,
जब तक हम आगे मिलें नेक्स्ट एपिसोड तक, आप इस क्वेश्चन पर सोचिए, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी थॉट आने से पहले सोचिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये एपिसोड बहुत मज़ेदार लगा होगा। मुझे बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स इस बुक को पढ़ने में। एक डिफ़िकल्ट बुक थी मैं मानती हूँ, लेकिन मज़ा आया। सो आई होप कि आपको भी इक्वली मज़ा आए और आपकी लाइफ पे भी बहुत उज्ज्वल प्रकाश से भर जाए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ़ यू।